कांग्रेस और बीजेपी सरकार में तकरार अक्सर देखने को मिल ही जाती है। हाल ही में जीडीपी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर वार किया था, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि इस बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार को शुतुरमुर्ग बोल डाला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हर गलत रेस में देश आगे है, इस संकट के वक्त शुतुरमुर्ग बन गई है मोदी सरकार। अब आपको राहुल गांधी की तरफ से गलत रेस के उदाहरण भी बता देते हैं। राहुल ने जीडीपी की गिरावट और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर ये तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट किया था कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है, हर गलत दौड़ में देश आगे है, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या फिर जीडीपी में गिरावट। आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 90,802 मामले सामने आए हैं। पिछले दो दिन में ही 1,80,000 केस आ चुके हैं। ये दुनिया में अब तक आए सबसे ज्यादा केस है। यही कारण है कि सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। भारत ने कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से अब ब्राजील को भी पछाड़ दिया है और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसके बाद भारत में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई है। पहले स्थान पर अभी भी अमेरिका है, जहां 64 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकारी कंपनियों को बेचने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि देश की 26 सरकारी कंपनी और बेची जाएंगी, 70 साल में जो भी बनाया था ये सब इस सरकार में बेच दिया जाएगा। गौरतलब है कि गिरती अर्थव्यवस्था के बीच सरकार की ओर से कई सरकारी कंपनियों में शेयर बेचे जा रहे हैं। एक तरफ एयर इंडिया को खरीदार की तलाश है, तो वहीं रेलवे में भी प्राइवेट ट्रेनें चलाने की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी इन्हीं सब मामलों को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।